अच्छा जी, हमने क्या किया कि एक सर्कल लिया है यहाँ पे, सिंपल सा सर्कल, आपने इक्वल सर्कल ले लेना है। लाइक मैं 60 mm का सर्कल ले रहा हूँ, तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी की बात है। मैंने पी दबाया, ये पेज के सेंटर में आ गया। थोड़ा सा मैं सर्कल को और बेशक बड़ा कर लेता हूँ, चलें 80 का ले लेते हैं जी। डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा, बाद में इसको कम या बड़ा भी किया जा सकता है। अच्छा, अभी सर्कल को मैंने क्या किया था कि शेप टूल लेके मैंने ये यहाँ से आर्क टूल बना लिया, और इसको मैंने बिल्कुल मतलब ये रखना है कि ये आपकी दोनों साइडों पे इक्वल आ रहा हो, ये ना हो कि वो एक साइड बड़ी हो और एक साइड कम आ रही हो। तो नोड्स को मैं इक्वल कर लेता हूँ, नोड्स अब हमारे इक्वल हो गए हैं, बिल्कुल इक्वल हो गए हैं। ठीक है जी, आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, नोड्स ऑलमोस्ट इक्वल है, ये थोड़ा सा मुझे फर्क में लग रहा है। तो आप इसको यहाँ से भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। देखिए, ये कम हो गया, ये ज्यादा हो गया। 180 पे हम करते हैं तो बिल्कुल इक्वल आ जाएगा। देखें, ये जीरो पे खड़ा है पॉइंट, और ये 180 पे खड़ा है, बिल्कुल इक्वल आ गया। अगर आपके हाथ से नहीं हो रहा, आप यहां से प्रॉपर्टी बार से बिल्कुल डायरेक्टली कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमारे पास जो रेडीमेड चीज है वो ये है। अभी मैंने क्या किया, इसकी आउटलाइन बढ़ा ली, और आउटलाइन में यहाँ से इसकी ले लेता हूँ जी 15 mm ले लेता हूँ। अरे, 15 mm बहुत ज्यादा हो गई है। हम इसके आउटलाइन जो है वो 8 mm या 7 mm तक आप कर लें तो बेहतर है। थोड़ा सा इसको अभी फिलहाल बेशक और काम करना है तो और काम कर लें, क्योंकि हमने जरा क्लोज व्यू में काम करना है। चलिए, मैंने 5 mm पे ले लिया है, और इसका मैंने लिया डुप्लीकेट। डुप्लीकेट को मैंने मूव करवाना है, और जैसे वो मैंने शेप आपको दिखा रहा था ना, हमने उस शेप तक बनाना है इसको। इसको मूव इस तरह से करना है कि ये पॉइंट यहाँ पे आ जाए और ये पॉइंट यहाँ पे इसको मिल जाए। तब फिर डुप्लीकेट लिया मैंने, और अब मैंने इन दो पॉइंट्स को मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आपने मैन्युअली जो है, मैं एंगल्स पे बात नहीं, एंगल्स पे भी हो जाता है, एंगल्स के जरिए भी काम परफेक्ट होता है वो, लेकिन उसमें यह है कि आपको ज्योमेट्री का थोड़ा सा पता हो तो फिर हमारे एंगल वाला व्यू बिल्कुल ओके आता है। अदरवाइज ये हमें थोड़ी सी मुश्किल होती है कि तीनों चारों एंगल्स को किस तरह एक पॉइंट पे लेके आना है। चलिए, अब हम ये करते हैं तो थोड़ा सा नीचे इफेक्ट हमारा नहीं आ रहा, ये थोड़ा सा हमें मूव करना पड़ेगा। साइज हमने थोड़ा सा बड़ा ले लिया है, और उसकी वजह से भी ये इशू आ जाता है। एक चीज का ख्याल रखना है कि साइज नहीं बढ़ाना, उन दोनों को मिलाने के लिए आप साइज बढ़ा दें, नहीं साइज नहीं बढ़ाना। अभी देखें यहाँ पे क्या हुआ कि ये और ये ऑलमोस्ट इक्वल हैं, ये और ये ऑलमोस्ट इक्वल हैं। मैंने इन दो को पी दबा के बॉटम के साथ मिला दिया, और यही बात है, अब ऊपर से भी मिल गए होंगे। अब मैं क्या करता हूँ जी, अब मैं ये करता हूँ इनकी आउटलाइन थोड़ी सी और बढ़ा लेता हूँ खूबसूरती के लिए। ये आउटलाइन 5 पे है तो मैं आउटलाइन 6 पे कर देता हूँ। ठीक है जी, अभी मैं क्या करता हूँ, इनको मैं आपस में वेल्ड कर देता हूँ। वेल्ड करने के साथ क्या होगा, ये सभी एक ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, और इनके ये यहाँ पे पॉइंट्स बन के आपके सामने आ जाएंगे। और फिर मैं क्या करूँगा, मैं ये जो हमारे ये वाले पॉइंट्स हैं इनको डिलीट कर दूंगा। ओहो, ये हमारे वेल्ड सही नहीं हुए। अच्छा जी, हम इसको दोबारा देखते हैं। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं, हमने इनको करना है जी
और वेल्ड हो गए होने के बाद आपने पॉइंट आपस में मर्ज करने हैं। ठीक है जी, मिल गया। और इस पॉइंट को इस नोड से, इसी तरह ये पॉइंट वाला नोड जो है इस नोड, लेकिन ये हमारे मिक्स हो गए हैं और ये इस कंडीशन में आ गए हैं। यहाँ पे सवाल है किसी का तो पूछ लें। ये हमारे नोड बन गए। अभी हमने क्या करना है, दोबारा से शेप टू लेना है और इन नोड्स को डिलीट कर देना। जब इन नोड्स को डिलीट करेंगे तो ये शेप हमारे पास इस हालत में आ जाए। ठीक है जी। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है जी, अब हमने ये करना है कि हमारे पास ये पॉइंट्स हैं, हम इसकी आउटलाइन मजीद बढ़ा देते हैं। अब हम 7 या 8 को ले जाते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास एक शॉर्टकट की थी कंट्रोल शिफ्ट क्यू, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अभी ये हमारे पास इसकी आउटलाइन अलग से हो गई और ये हमारे पास अलग से एक ऑब्जेक्ट बन गया है। ऑब्जेक्ट कुछ यूं हमारे सामने आ गया। ठीक है जी। या फिर आप क्या करते हैं, इसको वैसे ही रहने देते हैं और आप ले लेते हैं यहाँ से अपना स्मार्ट फिल टूल। ठीक है जी, स्मार्ट फिल टूल में आप देखें कि आप कहाँ तक फिल कर पाते हैं। ये हमारा टोटली गलत फिल हो रहा है इसका। ठीक है जी, और मुझे डिस्टर्ब कर रही है, मैं जरा इसको काट दिए। अच्छा जी, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट्स हैं, हमने इसको, ये गलत हो रहा है फीलिंग, हम अंडू कर देते हैं। जहाँ पे हमारे पॉइंट थे यहाँ तक हम आ गए, इस पॉइंट को डिलीट कर दिया, इस पॉइंट को भी डिलीट कर दिया और यहाँ पे हमने कर दिया कंट्रोल शिफ्ट क्यू, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब ठीक आ रहे हैं जी, हमारे कलर उसमें फिल हो रहे हैं जी। अब हम स्मार्ट फिल टूल लेते हैं, ये सभी में फिलिंग हो रही है। ठीक है, सभी में फिलिंग हो रही है। अब हम इसके साथ क्या करने जा रहे हैं, इस पे जरा गौर करें। मैंने कलर बिल्कुल खत्म करके सिर्फ और सिर्फ आउटलाइंस ले ली है। आउटलाइंस लेने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ से फ्री हैंड टूल लेना है और मुझे कुछ ऐसा करना है कि मुझे ये और यहाँ तक चाहिए और ये वाला पॉइंट्स यहाँ तक चाहिए ताकि मैं इनको मूव करवा सकूं। मैं इस नोड को इस नोड से मिलाता हूँ जी, उसके बाद इस नोड को इस नोड से मिलाता हूँ। जब आप क्लिक करेंगे तो वो नोड बन के आ जाता है, आपने उस पर क्लिक करना होता है। ठीक है जी, सॉरी ये मैंने गलत की है, मैंने इसको इससे मिलाना था और इसको इससे मिलाना। इसी तरह ये नोड मेरा यहाँ पे इससे मिल जाएगा और ये नोड हमारा यहाँ पे चला जाएगा। अच्छा जी, ये बड़े मजे की चीज बन रही है, आप थोड़ा सा बस इसको वेट करें। अच्छा जी, अब हमने इसको कर्वी करना है क्योंकि यहाँ पे ये दोनों बिल्कुल सीधे आ गए हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, पहले इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से कर्व करता हूँ। कर्व करने के बाद मैंने हल्का सा इसको कर्व कर दिया ताकि ये जो है ऐसा लगे कि ये यूं उसके साथ घूम, सर्कल के साथ ही आ रहा है। इसी तरह इन इसको सिलेक्ट किया, इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट किया, कर्व किया और मैंने यहाँ से सेंटर से मिड पॉइंट से थोड़ा थोड़ा सा करना है। जब ये ज़्यादा हो रहा तो यहाँ से व्यू में ये स्नैप टू ऑब्जेक्ट है, इसको ख़त्म कर दें। अब ये बिल्कुल स्मूथ नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, बिल्कुल थोड़ा सा आपने करना है, बिल्कुल ओके है जी। यहाँ पे हमारा बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहा है कि कर्व बन के आ रहा है। अब आपने आ जाना है जी
इस पॉइंट पे ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, इसको सिलेक्ट करें जी। दोनों नोड्स को सिलेक्ट किया, नहीं सही हुआ। अब ठीक है जी, कर्व आया, मैंने हल्का सा कर्व बना दिया। इसी तरह नीचे वाले का दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करें, कर्व करें, ठीक है गया जी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये दो रह गए हैं। इस लाइन को मैंने नीचे की तरफ लाना है, कर्व करें और थोड़ा सा ऐसे नीचे कर। ये पॉइंट दो पॉइंट्स आ गए आखिरी वाले, इनको आपने थोड़ा सा नीचे करना है। और मैंने कर्व नहीं किया, कर्व करें, ये चीज बना दी मैंने, ठीक है जी। ये हमारे पास बन गया। अभी मैंने क्या करना है कि मुझे यहाँ से यहाँ तक स्मार्ट ऑब्जेक्ट लूंगा मैं, कलर फिल और इसके अंदर फिल। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये एक 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 चक्कर बन, यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा है और यहाँ से यहाँ तक ये तीसरा है। अब मेरे पास तीन ऑब्जेक्ट्स बन गए, एक ये और एक ये। तो ये देखें, ये मालूम हो रहा है कि ये इसके ऊपर से घूम के आ रहा है, ये मालूम हो रहा है कि ये इसके ऊपर से घूम के आ रहा है, और ये मालूम हो रहा है कि ये उसके ऊपर से घूम के जा रहा है। असल हमने यहाँ पे बना लिया है उसका बेस, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसको मैं ग्रुप करके रख देता हूँ ताकि हमारे पास गलती हो तो वो पहले वाला हमारे पास सेव रहे। इसके ऊपर हम मजीद वर्क करना शुरू करते हैं। अब आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं आउटलाइन भी इनकी बनती है। तो मैं थोड़ा सा और किसको नीचे से थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ, ठीक है जी। और मैं क्या करता हूँ कि अब जो मेरा ये वाला एरिया है बाहर वाला, इसको मैं स्मार्ट फिल कर देता हूँ। ये गलत हो गया है, होना नहीं चाहिए। हाँ, अब ठीक क्लिक हुआ है। ये क्लिक करने के बाद हमने ये वाला डिलीट कर देना है, ठीक है जी। मेन पे हमने वो मेन वाला डिलीट कर दिया। अभी ये वाला है, इसको थोड़ा सा आपने इस साइड पे ले जाना है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से उठा लेना बस। और मुझे चाहिए ये वाला कर्व, ठीक है। तो मैं स्मार्ट फिल लूंगा और इस कर्व पे क्लिक कर दूंगा और ये जो ऑब्जेक्ट हमने ऊपर उठाया था इसको डिलीट कर दूंगा, क्लियर। अब हमने बनाना है इसका हिस्सा। इसके लिए हम थोड़ा सा इसको इधर ले आते हैं। आपने ये देखना है कि यहाँ से ये मूव इस तरह से करे कि ये आउट ना जा रहा हो, और उसके बाद हमने स्मार्ट फिल लेंगे और ये बराबर बराबर चारों होने चाहिए। मैं थोड़ा सा स्पीड में कर रहा हूँ, हो सकता है ये बराबर ना भी हूँ, ये वाला और बड़ा। अब देखें ये थोड़ा सा हमारा बड़ा हो गया, तो हम इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं, दोबारा से मूव कर लेते हैं कि हमें बारीक सी मूव चाहिए, ब्रीफ सी कटिंग चाहिए। तो अब मैं स्मार्ट फिल और बाहर वाले एरिए को फिल कर लेता हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं जी, ऊपर से डिलीट कर दिया। अब हमारे पास ना एक एज से बन गए हैं ये पांच तीनों, क्या हैं जी, हमारे आउटलाइन के एज, एज समझ लें। इसको बेशक राइट क्लिक करके आउटलाइन खत्म कर दें। अंदर वाले हैं, अब इनकी फिलिंग दोबारा कर लेते हैं जी। स्मार्ट फिल लिया, कलर लिया, ये लें, ठीक है जी। इसमें अलग आ गया, इसमें अलग आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी आउटलाइन खत्म कर देता हूँ, ठीक है जी। आउटलाइन खत्म हो गई और तो इसको आउटलाइन देनी है तो बेशक दे लें, खत्म करनी है तो बेशक खत्म कर लें। थोड़ा थोड़ा सा मैंने उनको मूव किया है ताकि कलर्स हमारे खराब ना हो। अब मैं बनाता हूँ ग्रेडियंट, यहाँ पे दो ग्रेडियंट बना लेता हूँ और वही यूज करवा लेंगे फॉन्ट फिल में, या बने बनाए ग्रेडियंट आपके पास पड़े होते हैं इनमें से कोई से ले सकते हैं।
बट मैं क्या करता हूँ, एक हम गोल्डन टाइप का बनाते हैं, और यहाँ पे मैंने ये कलर लिया है, यहाँ पे मैंने ये कलर लिया है, इसको ये थोड़ा सा आप इसके ऊपर ग्रेडियंट बनाने पे थोड़ी सी और भी मेहनत कर सकते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट हो, एक पॉइंट डार्क हो, एक पॉइंट लाइट हो, एक पॉइंट डार्क हो, इस तरह से आपने ग्रेडियंट बनाना होता है। और ये ले जी, मैं फिलहाल ये बनाता हूँ 0 की डिग्री पे। ओके जी, अच्छा ये जो बाहर वाले हैं, अब मैं इसमें ये वाला कलर मैंने देने हैं, तो मैंने कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम ली और फिल ले उठा के इससे फिल करवा दिया। इसी तरह इन दोनों को भी मैं फिल करवा देता हूँ। अभी मैंने कोई दूसरा मूव नहीं लिया, तो ये देखें जी बाहर के कलर हमारा किस तरह से खूबसूरती में चला गया। अब हम ये जो हमारे कलर हैं, तीनों कलर, इनको फिलहाल यही ग्रेडियंट दे देता हूँ। देखें जी यहाँ पे लोगों को आप गौर करें, मैं इसको सेंड भी कर दूंगा आपको, तो ये कुछ ऐसे 3D सा महसूस हो रहा है जैसे, और ये थोड़ा सा हमारे कलर कट कर रहा है, इसको मैं अंदर कर रहा हूँ, इसको भी मैं थोड़ा सा अंदर कर लेता हूँ। एक पॉइंट आपने माउस के जरिए, कीबोर्ड की एरो की के जरिए करना है कि वो खराब ना हो। ठीक है जी, अब आपकी इसकी शेडो जो है वो भी, और वो भी वो एक ही कलर में है, हम चेंज भी कर सकते हैं कलर यहाँ से। तो ये हमारे पास एक डिजाइन तैयार हो गया है, मैं इसका जरा बैकग्राउंड भी बना लेता हूँ। बैकग्राउंड में ये करता हूँ कि यहाँ से फिर दोबारा फाउंटेन फिल में चला गया, यहाँ से मैंने कस्टम लिया, एक फुल डार्क ब्लैक ले लेता हूँ और एक को मैं ग्रे ले लेता हूँ, हल्का सा ग्रे, और मैं इसको लीनियर रेडियल में ओके करता हूँ। इसको शिफ्ट पे डाउन बैक पे किया तो ये चीज हमारे पास आ गई है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको बहुत खूबसूरत लगी होगी। जी को क्वेश्चन है तो पूछें जी, 1 मिनट बाद हमारा जूम क्लोज होने वाला है। तो ये मैंने जो चीज बनाई है, आप भी कोशिश करें इस तरह की चीज बना के दिखाएं। ठीक है जी, अभी इसके ये जो एजेस हैं, मैं उनके कलर्स पे, मुझे चाहिए था कि मैं और अच्छा काम करता, बट टाइम की कमी की वजह से और आपको, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ, तो मैंने इसको यहीं पे स्टॉप किया है। आप इसके ऊपर और भी अच्छा काम कर सकते हैं, मसलन इसके कलर्स की कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं, कलर की, अभी ये जो मैंने दिए हैं इसकी मैं सिर्फ अगर एंगल चेंज कर दूं, यहाँ पे 90 कर दूं, तो भी आपको बड़ा डिफरेंस महसूस होगा। देखें अब आपको यहाँ से जो कट है वो बड़े डिफरेंस में आ रहा है। तो ये हमने बनाना आज सीखा है, इसको आप भी ट्राई करें कोरल के ऊपर। इसमें देखें वेल्ड इंटरसेक्ट ट्रिम से भी हम बना सकते थे, लेकिन मैंने उसको अपना स्मार्ट आर्ट को